भूमि डेरा बाबा बंदा साहब बहादुर के पवित्र स्थल पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उनके गद्दी नशीन बाबा जितेंद्र पाल सिंह और तरुण विजय जी को साधुवाद भी देता हूँ। हुकुमी गोवन आकार हुकुमी न कहिया जाए, हुकुमी गोवन की हुकुमी मिले बढ़िया। जीने के दो तरीके बताए गए, एक रास्ता है संघर्ष का और दूसरा है समर्पण का। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने जीवन में मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी को जो संदेश दिया उसे हमें समझने की जरूरत है और वो संदेश है समर्पण के साथ संघर्ष। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी प्रेरणा हम उनसे ले सकते हैं और दोनों तरीकों को एक में समाहित करके श्रद्धा के साथ जीवन जीने का मार्ग आपने बताया मानता हूँ। समर्पण किया और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष भी किया, क्योंकि यात्रा का जो आकार है वो सब हम सब के सामने है और उस हुकुम से जो उन्हें स्थान मिला उसे कह सकते हैं ऐसा नाम निरंजन हुई जेको मणि जापो मणि हुई। जीवन अपनी परिपूर्ण महिमा उनके सामने प्रकट हुआ और एक नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर उन्होंने डाकुओं से अत्याचारियों से या क्रांताओं से संघर्ष किया, महिलाओं बच्चों गरीबों की रक्षा की और गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवाने वाले सूबेदार को भी खत्म किया। पवित्र धरती से निकलकर गुरु गोविंद सिंह जी की शिष्यता में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जो कार्य किया मैं समझता हूं कि उसका एक बड़ा मकसद था जिसे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के सारे नौजवान पीढ़ी को समझने की जरूरत है। वह स्वतंत्रता गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों की रक्षा तथा समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रयत्न करना है। जब भी हम भारतवर्ष के महान सपूतों की बात करते हैं मुझे लगता है कि हम सबके ध्यान में होगा कि वो जैसा तरुण विजय जी ने बताया ये मालिकाना हक दिलवाया, इन कहानियों के बीच जो गहरी बात छिपी है वह है जागृत जीवन जीने की। बाबा बंदा सिंह बहादुर जब गुरु गोविंद सिंह जी से मिले तब कोई औपचारिक परिचय नहीं हुआ था बल्कि गुरु जी ने उनसे बोला कि अपने अंदर झांक कर देखो कि मैं कौन हूं। महीनों से बंदा बहादुर इंतजार कर रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हो जाए और गुरु जी भी अपने शिष्य की तलाश में थे। इस देश की संस्कृति और परंपरा बड़ी महान है, बाकी जगह शिष्य गुरु को खोजता है, यहाँ मुझे लगता है कि टू वे ट्रैफिक है। गुरु शिष्य को भी खोजता है, शिष्य गुरु को भी खोजता है और गुरु भी उपयुक्त शिष्य की तलाश करता है और मुझे लगता है गुरु गोविंद सिंह जी के उपयुक्त शिष्य बंदा बहादुर जी मिले और प्राचीन शास्त्रों में कई बार ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं लोगों को सालों लग जाते हैं और ये भाग्यशाली थे उनके सच्चे शिष्य बनने लायक थे और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। और हम जानते हैं कि जब पुकार सच्ची हो तो गुरु क्या ईश्वर भी मनुष्य को बुलाता है और गुरु जी के और उनके बीच जो बात होती वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाबा बंदा कहते हैं कि मन में बड़ी उत्सुकता थी कि आपके दर्शन करूं और गुरु जी कहते हैं हम भी तुम्हारे प्रेम में बधे चले आए हैं, अन्यथा इधर हमारा कोई और काम नहीं। इस तरह का संबंध था उनका। उन्होंने गुरु जी से कहा कि मैं आपका बंदा हूं, मुझे सेवा बताएं। गुरु गोविंद सिंह जी अपनी शरण में लेने के बाद जो जिम्मेदारी देते हैं वह धर्म युद्ध की देते हैं। दायित्व को निभाते अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना यह धर्म युद्ध है।
गुरु गोविंद सिंह जी का यही संदेश था कि अगर कोई समाज की भलाई के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग भी करता है, आहुति भी देता है, वो बलिदान सबसे बड़ी तपस्या है और वही मैं समझता हूँ कि पुण्य आत्मा ने किया। मति पिछ रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सिख सुनो, जिसने गुरु की बात सुनी उसका जीवन रूपांतरित हो